नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। मुंबई में कंगना रनौत के बंगले पर बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम को नगर पालिका का बुलडोजर जो चल गया, बीएमसी ने सोमवार को कंगना के बंगले पर छापा मारा जहां वो अपनी फिल्म कंपनी का ऑफिस बना रही है। जांच करने के बाद बीएमसी ने नोटिस जारी कर दिया कि बंगले में बिना मंजूरी लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कंगना को 24 घंटे का नोटिस देने के बाद बीएमसी ने अपने कर्मचारियों को वहां भेजा और 3 मंजिला बंगले को तहस नहस कर दिया। कंगना तब हिमाचल प्रदेश के अपने पुश्तैनी गांव से मुंबई लौट रही थी, वो रास्ते में ही थी। अंदाजा तो उनको था कि मुंबई में उनको शिवसेना से पंगा लेने की कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसीलिए मुंबई के लिए उड़ान भरने से पहले कंगना ने जय शिवाजी जय महाराष्ट्र का नारा दिया। लेकिन जैसे ही कंगना के बंगले पर पुलिस और बीएमसी की टीम पहुंची, उनका लहजा तीखा होता चला गया। कंगना ने मणिकर्णिका फिल्म्स यानी अपने बंगले को अपना राम मंदिर बताते हुए ट्वीट किया कि आज वहां बाबर और उसकी सेना आई है। कंगना और शिवसेना की तकरार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुई थी। कंगना ने सुशांत की मौत के लिए फिल्म उद्योग में चल रहे भाई भतीजावाद को जिम्मेदार ठहराया था। मुंबई पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार पर भी लगातार हमलावर रही थी। शिमला में, हिमाचल में वो बैठी हुई थी और वहीं से हमले कर रही थी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उन्हें नसीहत दी गई कि अगर उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है तो मुंबई मत आए। कंगना को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। किसी की कड़वी का बात बर्दाश्त करना कंगना की आदत में ही नहीं है। उन्होंने खुद बताया था कि वो 16 साल की थी जब पिता की बात बर्दाश्त नहीं हुई थी और वो घर छोड़कर निकल पड़ी थी। शिवसेना नेता और सामना के संपादक संजय राउत की बात चुभी तो कंगना ने उससे भी ज्यादा चुभने वाले अंदाज में ऐलान कर दिया था कि 9 सितंबर को वो मुंबई आ रही। उससे पहले ही उनका बंगला बीएमसी के निशाने पर आ गया। बीएमसी के नोटिस के जवाब में कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक भी लगाई, लेकिन तब तक बीएमसी का दस्ता अपना काम करके जा चुका था। अब मामला हाईकोर्ट में है और मुंबई से हिमाचल प्रदेश तक की राजनीति गरमाई हुई। पूरा माजरा क्या है? कंगना पर बीजेपी का मोहरा बन जाने का आरोप क्यों लगाया जा रहा? इन सवालों का जवाब समझने के लिए कंगना के हिमाचल प्रदेश से मुंबई आने से लेकर अब तक के उनके सफर पर नजर डालनी होगी। तो एक ब्रेक लेते हैं, लौटकर बताएंगे कि कंगना के बंगले पर बुलडोजर चलाने की असली वजह क्या है। मुंबई के बांद्रा पश्चिम में पाली हिल नाम का एक इलाका है। वहीं पर 41 नरगिस दत्त रोड है जहां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों के बंगले हैं। 3 साल पहले वहीं पर चेतक रो हाउस का बंगला नंबर 5 कंगना रनौत ने खरीदा था। उस बंगले में वो अपनी फिल्म निर्माण कंपनी मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस बना रही थी। ये कंपनी कंगना ने 25 सितंबर 2012 को रजिस्टर कराई थी, जिसमें कंगना के अलावा उनके भाई अक्षयदीप रनौत भी डायरेक्टर है। 2 दिन पहले बीएमसी की एक टीम कंगना रनौत के इस बंगले पर पहुंची और उसने 3 पेज का एक नोटिस गेट पर चिपका दिया। नोटिस में कहा गया कि बंगले में लीकेज रोकने का जो काम चल रहा है उसे फौरन रोका जाए। बीएमसी ने दावा किया कि उसके रिकॉर्ड के मुताबिक ये बंगला रेजिडेंशियल यानी रिहायशी है और इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं बंगले में कोई अवैध निर्माण तो नहीं हुआ। बीएमसी ने इसे रूटीन की कार्रवाई बताया, लेकिन यह बात किसी के गले नहीं उतरी। बीएमसी की मंशा पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि वहां शिवसेना की सत्ता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनौत लगातार मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर थी। 4 सितंबर से तो उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल रखा था। ऐसे में माना यही गया कि कंगना को बीएमसी का नोटिस राजनीतिक बदले की भावना से दिया गया। बीएमसी का नोटिस मिलने से पहले ही कंगना चुनौती भरे लहजे में 9 सितंबर को मुंबई पहुंचने का ऐलान कर चुकी थी। उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी की टीम बुलडोजर लेकर उनके बंगले पर पहुंच गई। उसने मणिकर्णिका फिल्म्स के ऑफिस में काफी तोड़फोड़ की, जिसके बाद कंगना और भड़क गई। उन्होंने पहले मुंबई को पीओके बताया था, अब वो कह रही हैं कि ये ऑफिस उनके लिए राम मंदिर था क्योंकि इसी ऑफिस से वो अयोध्या पर फिल्म बनाने वाली हैं। उन्होंने बीएमसी की तुलना बाबर से कर दी। घर टूटने का दर्द महसूस हुआ तो कंगना को कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों का दर्द याद आ गया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर भी फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया और यह बद्दुआ भी दे दी कि जिन्होंने आज उनका घर तोड़ा है उनका घमंड भी जल्द टूटेगा।
मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना रनौत वर्सेस उद्धव सरकार की लड़ाई। क्वीन कंगना के आंगना पर बीएमसी की चढ़ाई। मैं इस वक्त कंगना के दफ्तर के ठीक सामने मौजूद हूं पाली हिल इलाके में, और यहां पे देखिए बीएमसी के द्वारा कंगना के दफ्तर में तोड़क कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। सरकार की हुंकार को कंगना की ललका। पत्थर को भी कर दे पानी। सुशांत केस में कंगना और उद्धव सरकार की टकरा। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच अदावत तो महीने भर से ठनी है। 9 सितंबर की दोपहर दुश्मनी की इस जंग पर बदले का ऐसा रंग चढ़ा कि महाराष्ट्र से भड़की चिंगारी की धधक राष्ट्र भर में दिखने लगी। सुशांत केस में सिनेमा की दुनिया के बड़े बड़े लोगों और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली कंगना रनौत और उद्धव सरकार के बीच ऐसी ठनी कि नौबत तोड़ फोड़ की आ गई। बीएमसी का अमला फावड़े कुदाल और बुलडोजर के साथ कंगना रनौत के दफ्तर मणिकर्णिका फिल्म्स पर पहुंचा। जरा मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये बीएमसी की तरफ से आए थे। आपने कंगना का घर तोड़ा, क्या 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 तोड़ा है? मेरे को जो जो बताया वो तोड़ा ना मैंने। क्या तोड़ा आपने? मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कितने निर्माण तोड़े अभी तक आपने? कुछ ज्यादा नहीं तोड़ा है, सिर्फ जो इल्लीगल था उनका वही तोड़ा गया। बीएमसी की टीम ने दफ्तर पर अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा किया और उसके बाद बुलडोजर और हथौड़े कंगना के दफ्तर पर बरसने लगे। अंदर जो हिस्सा है, जो कंपाउंड का हिस्सा है दफ्तर के, ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तमाम जो गमले हैं, जो रॉड्स हैं, जो छज्जा था उसे तोड़ दिया गया है। और महत्वपूर्ण चीज ये कि आप देखिए तोड़ फोड़ की कार्रवाई, देखिए किस तरह की तोड़ फोड़ की कार्रवाई इस वक्त जो है बीएमसी की तरफ से कंगना के दफ्तर में की गई है। देखिए सामने तस्वीरें, क्या स्टूल, क्या डेस्क, सब जो है यहाँ बिखरे पड़े हैं। किस तरह की कार्रवाई की गई है ये तस्वीरें बताती हैं। कंगना के दफ्तर के अंदर बीएमसी के हथौड़े बरसते रहे और बाहर हथौड़ों के खिलाफ कंगना के समर्थन में कुछ हाथ उठने लगे। तुम लोग एक लेडीज मिल गए, सब मिल के एक लेडीज को टारगेट कर रहे हो और पुलिस वाले तुम लोगों को कुछ काम देंगे नहीं। ऐसा नौकरी से ना इस्तीफा दे दो और घर पे बैठो, समझे क्या? इतना इतना तुम लोग को है ना, रिया का घर जाके तोड़ो। रिया का घर तोड़ने के लिए नहीं है क्या? रिया का घर तोड़ने को नहीं होता है, उस वक्त तुम लोग कोऑपरेट करते हो। किसी का बच्चा गया, किसी का बाप बेटा मरा, वही तुम्हारा बेटा मरता, तुम्हारा भाई मरता। तो कंगना रनौत ने ट्विटर के जरिए बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच छिड़ी जंग की शुरुआत मराठा अस्मिता और महाराष्ट्र के गौरव से हुई और अब ये राम मंदिर पर बाबर के हमले तक पहुंच गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कंगना रनौत पर महाराष्ट्र के गौरव का अपमान करने का आरोप लगाया, तो कंगना रनौत ने इन आरोपों का जवाब देते हुए ताबड़तोड़ कई ट्वीट कर डाले। 9 सितंबर की सुबह जब कंगना रनौत हिमाचल से मुंबई के लिए रवाना हुई, उससे पहले सामना के एक संपादकीय में लिखा गया कि राजनीतिक एजेंडे को सामने लाने के लिए सुपारीबाज कलाकारों के राजद्रोह का समर्थन करना भी हरामखोरी ही है और माटी से बेईमानी ही है। इसके जवाब में कंगना ने ट्विटर पर सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी। कंगना ने ट्विटर पर लिखा, रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है, मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, ना डरूंगी ना झुकूंगी, गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। ट्विटर पर जारी इस जंग का रंग बदला उस वक्त जब बीएमसी की टीम कंगना के दफ्तर पहुंची और तोड़ फोड़ की।
कंगना ने तोड़फोड़ के बाद अपने दफ्तर के कई वीडियो ट्वीट किए और हैशटैग लिखा डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। मणिकर्णिका फिल्म का दफ्तर तोड़े जाने की कार्यवाही शुरू होते ही कंगना ने महाराष्ट्र सरकार की तुलना मुगल शासक बाबर से की और अपने दफ्तर की तुलना राम मंदिर से। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई, ये मेरे लिए एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कंगना के वकील ने कहा कि कंगना के आवाज उठाने से तिलमिलाई महाराष्ट्र सरकार ने बदला लेने के इरादे से उनके प्रोडक्शन हाउस को गिराया है। जिस हिस्से को अवैध बताया गया था उसके अलावा भी दफ्तर के कई हिस्से तोड़ दिए गए। देखिए, घर के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो उसको तो उन्होंने तोड़ा है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो तोड़ दिया उन्होंने, जो उनके पर्सनल आर्टिफैक्ट्स थे, जो उनकी पेंटिंग्स थी, जो उनके कीमती दूसरे आइटम्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर था, उनके लाइट्स, फैंस, जो महंगे महंगे आइटम्स थे, लाइट्स सब महंगी महंगी थी, सब तोड़ दिया उन्होंने। हम लोग बाकायदा for not following the process of law and for doing all these things we will initiate everything all actions। कंगना के दफ्तर पर हुई कार्रवाई के खिलाफ करणी सेना और रामदास आठवले की पार्टी RPI के कार्यकर्ता कंगना के समर्थन में आ गए। कंगना रनौत दोपहर को मुंबई पहुंची तो शिवसेना के कार्यकर्ता मुंबई के अपमान का मुद्दा उठाकर उनके खिलाफ एयरपोर्ट पर जमा होकर नारेबाजी करने लगे। विरोध और समर्थन की इस जंग के बीच कंगना रनौत एयरपोर्ट से निकलकर अपने घर पहुंची और घर पहुंचते ही उद्धव सरकार को ललकारा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना रनौत महाराष्ट्र पुलिस, उद्धव सरकार और सिनेमा की दुनिया के बड़े बड़े लोगों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब BMC ने कंगना के दफ्तर पर जो कार्रवाई की है उससे जनता में यही संदेश गया है कि सरकार कंगना से सुशांत केस में आवाज उठाने का बदला ले रही है। गलत है, गलत है, हम साथ में हैं। आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं, यहीं के रहने वाले हैं? हम लोग अलग अलग कुरला से आई हूँ। मैं खारिज से आई हूँ। खारिज से आई हैं आप? ये टीवी पर देखने के बाद आप यहाँ आई? हाँ, ये देखने के बाद आई हूँ। सब अलग अलग है। आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या मांग कर रही है? अभी यही मांग है, जो किया है ना उसने, उसकी भरपाई उसको दे दे। सुशांत केस में कंगना रनौत एक ऐसी आवाज बनकर उभरी है जिसे जनता की आवाज माना जा रहा है, और अब महाराष्ट्र सरकार पर उस आवाज को, उस सच को दबाने का आरोप लगने लगा है। इसीलिए लोग कंगना पर की गई कार्रवाई को बदले की राजनीति बता रहे हैं। BMC ने भले सरकार के तकरार के बाद ये कदम उठाया हो, लेकिन इतना तय है BMC के इस कदम से कंगना की इमेज हीरो वाली तो बन ही गई है। कंगना रनौत के बंगले पर BMC का बुलडोजर चलने के बाद महाराष्ट्र से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश से हिमाचल प्रदेश तक राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया। जुलाई के आखिरी हफ्ते में जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बिहार और महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ा था, लगभग वैसा ही अब कंगना के नाम पर हो रहा है। एक दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा में कंगना रनौत पर महाराष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुंचाने का मुद्दा उछाला गया। आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कंगना के बंगले में तोड़फोड़ को हिमाचल की बेटी के साथ जुल्म का मामला बना दिया गया।
महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, वहां की सरकार में हिस्सेदार एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी माना कि बीएमसी ने ठीक नहीं किया। शरद पवार ने माना कि बीएमसी ने ठीक नहीं किया। उन्हें लग रहा है कि बीएमसी ने कंगना और उनके नाम पर बीजेपी को नया बवाल मचाने का मौका दे दिया है, जो अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के नाम पर महाराष्ट्र सरकार को घेरने में जुटी थी। कंगना का पंगा भी सुशांत की मौत के बाद ही शुरू हुआ। सुशांत की मौत को फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों की साजिश का नतीजा बताने में कंगना सबसे आगे थी। कंगना मुंबई से दूर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अपने गांव में रहकर भी ट्विटर पर आग उगलती रही। उन्होंने इस मामले में किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने, ना फिल्म इंडस्ट्री के नामी निर्माताओं को, ना बड़े अभिनेताओं को, ना ही मुंबई पुलिस को। दरअसल कंगना का मिजाज ही ऐसा रहा है, उन्हें जो सही लगता है वो बोलने से वो बिल्कुल नहीं चकती, चाहे उनकी बात कितनी भी कड़वी हो। कंगना ये भी नहीं सोचती कि वो किससे पंगा ले रही है। आदित्य पंचोली, अध्ययन सुमन, ऋतिक रोशन, ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट है जिनके साथ कंगना का सरेआम बहुत गंदा वाला झगड़ा हो चुका है। फिर भी कंगना न तो अपनी बात से पीछे हटी, न ही उन्होंने किसी के साथ कोई समझौता किया। फिल्म इंडस्ट्री में अपने दम पर अपनी पहचान बनाने वाली कंगना के जितने दुश्मन हैं उतने ही मुरीद भी हैं। कंगना के दुश्मन उन्हें मुंहफट कहते हैं, तो समर्थकों की नजर में वो शक्तिशाली आत्मनिर्भर महिला की मिसाल है जो फिल्म इंडस्ट्री की गुटबाजी से लेकर राष्ट्रवाद और राजनीति पर बेबाकी से बोलती है। बीते करीब 3 साल से कंगना रनौत राजनीतिक मुद्दों पर कुछ ज्यादा ही मुखर भी रही हैं। 2019 के चुनाव में वोट देने के बाद उन्होंने कहा था कि पहले हम मुगल, ब्रिटिश और इटली की सरकार के नौकर थे, उनसे आजादी मिली, उसी को बचाने के लिए वोट देना जरूरी है। इटली का जिक्र करने की वजह से कंगना के इस बयान पर काफी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। इस बार सुशांत की मौत के मुद्दे पर कंगना के बयानों को महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने खुला आरोप लगाया कि वो बीजेपी की भाषा बोल रही। बीते एक हफ्ते से महाराष्ट्र की राजनीति में कंगना ही सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई, जिनके समर्थन और विरोध में विधानसभा से लेकर सड़क तक लामबंदी तेज हो गई। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ है, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। कंगना रनौत की आवाज से डरी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार पर कंगना समर्थकों का वार। नारी के सम्मान में करनी सेना मैदान में। उद्धव की बदला नीति पर गरमाई राजनीति। नारी के सम्मान में करनी सेना मैदान में। कंगना रनौत ने अपने बेबाक बयानों से अपनी क्रांतिकारी पहचान बनाई है। कंगना बेलाग लपेट वो सब बोल देती हैं जो फिल्मी सितारे बोलने से पहले 100 बार अपना हित और अहित सोचते हैं। ये कंगना के बेलाग लपेट बयानों का ही नतीजा है कि देश बोल रहा है कि एक कलाकार के पीछे महाराष्ट्र की पूरी सरकार पड़ गई है। जब ये लगा हमने घर बनाता है कॉर्पोरेशन से ये लेके ही बनाता है ना, वो आने के बाद गलती रहेगा तोड़ो, वो अभी आंधी वे है, तुम लोग तोड़ रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में सरकार कंगना के खिलाफ खड़ी हो गई है, तो विरोधी पार्टी बीजेपी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने का विरोध किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक अकेली लड़की से महाराष्ट्र की सरकार डर गई है। रास्ते पर रोक कर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का
पूरे देश में हो रहा है। क्या किया कंगना ने? कंगना रनौत का दफ्तर गिराए जाने के बाद महाराष्ट्र बीजेपी एक्शन में आ गई। मुंबई में बीजेपी के पार्षदों ने बीएमसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी ने मुंबई के अपने सभी 84 पार्षदों को आदेश जारी कर दिया है। इन सभी पार्षदों से उनके इलाके में अवैध निर्माण की लिस्ट मांगी गई है। बीजेपी इस लिस्ट को तैयार करने के बाद हर इलाके के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बीएमसी पर दबाव बनाएगी। बीएमसी ने बदले की मंशा से ही कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया और इसके बाद बीजेपी को मुंबई के शुद्धिकरण का मुद्दा मिल गया है। जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, 24 घंटे की तत्परता में इस प्रकार की कार्रवाई मुंबई शहर के सभी अनधिकृत इलीगल कंस्ट्रक्शन पे होने की आवश्यकता है। कल से भारतीय जनता पार्टी बीएमसी कमिश्नर को 24 घंटे में अनधिकृत कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई करने की मांग करेगी। कंगना के दफ्तर पर चले हथौड़ों की गूंज देश के कई इलाकों में सुनाई दी। बिहार की राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर कंगना के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। इनमें कंगना को झांसी की रानी के रूप में दिखाया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कंगना के समर्थन में प्रदर्शन किया और शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला फूंका। और रतलाम शहर में करणी सेना कंगना के समर्थन में उतरी और संजय राउत का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। कंगना रनौत ने सुशांत सिंह केस में खुलकर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ बोला है। कंगना के इन्हीं बयानों के जवाब में शिवसेना नेता संजय राउत ऐसे शब्द बोल गए जिससे तनातनी और बढ़ गई। कंगना ने ट्विटर पर मुंबई सरकार के फैसले के खिलाफ लिखा था कि मुंबई पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बन चुकी है और यहाँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसी के जवाब में संजय राउत ने गुस्से में कंगना के खिलाफ गाली का इस्तेमाल किया था। इसके बाद कंगना रनौत ने संजय राउत के खिलाफ ट्विटर पर जंग छेड़ दी। कंगना ने 1.25 मिनट का एक वीडियो जारी किया और संजय राउत पर जमकर हमला बोला। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ, आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान नाक मुंह कान जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने जिसका भोंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। कंगना के बयानों को महाराष्ट्र सरकार ने नाक का सवाल बना लिया और इसी दिन से कंगना के दफ्तर को घेरे में लेने के लिए कानूनी दावपेच शुरू हो गए। सबसे पहले 7 सितंबर को कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की टीम पहुंची। इस पर कंगना ने दावा किया कि दफ्तर तोड़ा जा सकता है। 8 सितंबर को बीएमसी की टीम ने कंगना के दफ्तर पर नोटिस चस्पा किया। उसके बाद कंगना ने दावा किया कि दफ्तर तोड़ने की साजिश है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक मुंबई में किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगाई हुई है, लेकिन रोक के बावजूद बीएमसी ने कंगना का दफ्तर गिरा दिया। महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी कांग्रेस पार्टी के नेता भी बीएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ बोल रहे हैं। जिस तरीके से शिवसेना ने सारा कुछ काम धाम छोड़ के उसके पीछे एक अभियान शुरू कर दिया है, वो बहुत ही गलत है। आज कंगना रनौत का जो कार्यालय था उसके ऊपर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई उसकी आवश्यकता नहीं थी। साफ दिख रहा है कि ये बदले की भावना से उत्पन्न है। कंगना करीब 2 महीने से मुंबई फिल्म जगत के बड़े लोगों को ललकार रही हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उद्धव सरकार पर हमले शुरू किए मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। सुशांत केस जैसे भावनात्मक मुद्दे में अब कंगना के लिए भी जनता की भावना की आवाज जोर पकड़ने लगी है और ये आवाज उद्धव सरकार को परेशान करने के लिए काफी है। करीब 3 साल पहले एक खबर से भारत, अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों का माथा ठनक गया था। खबर यह थी कि चीन की सरकार पाकिस्तान के ग्वादर में एक कॉलोनी बनाने जा रही है।
जहां 5 लाख चीनी नागरिकों को बसाया जाएगा। 5 लाख चीनी नागरिक। बताया गया कि पाकिस्तान में चीन की यह कॉलोनी CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनेगी। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन को 36 लाख वर्ग फीट जमीन दे दी और 2022 तक वहां चीन के कर्मचारियों को रहने के लिए घर बना दिए जाएंगे। इस खबर से खलबली मची तो पाकिस्तान की सरकार ने सच पर पर्दा डालने के लिए बयान जारी किया। जनवरी 2018 में पाकिस्तान के अखबार डॉन में बताया गया कि पाकिस्तान में चीन के 5 लाख लोगों की मौजूदगी की बात ही गलत है। हालांकि उसी खबर में पाकिस्तान ने कबूल किया था कि उसके पास यहां बीते 5 साल में यानी 2013 से 2018 के दौरान चीन के नागरिकों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। 2013 में लगभग 20,000 चीनी नागरिक पाकिस्तान में थे जबकि 2018 में उनकी संख्या 60,000 के पार हो गई। और यह सबसे ज्यादा चीनी नागरिक भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत और कराची में ही डेरा डाले हुए। दलील यह दी गई कि CPEC का काम चल रहा है, उसके लिए चीन के कर्मचारी पाकिस्तान आए। लेकिन अब पाकिस्तान में चीन के लोगों की बढ़ती आवाजाही की असलियत सामने आ रही है। भारत की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन के कर्मचारी CPEC की आड़ में पाकिस्तान की सेना के लिए बंकर और वहां की वायुसेना के लिए हवाई अड्डे बना रहे हैं। कम से कम ऐसे 7 हवाई अड्डे पिछले 1 दशक में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बनाए गए हैं जो गुजरात और राजस्थान की सीमा के बहुत नजदीक हैं। पाकिस्तान की वायुसेना के लिए हवाई अड्डे बनाने में जो भी रकम खर्च हो रही है वो चीन कर्ज के रूप में दे रहा है। वहां चीन में बने लड़ाकू विमानों की ही तैनाती भी की जा रही है। सीधे तौर पर यह भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश नजर आती है। लेकिन असल में इसके पीछे चीन की बड़ी रणनीति काम कर रही है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने वहां की संसद में चीन के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उसमें बताया गया था कि चीन की सेना पाकिस्तान में अपने लिए ऐसे अड्डे बना रही है जहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हथियार रखे जा सकें और जरूरत पड़ने पर उन अड्डों का इस्तेमाल चीन की सेना कर सके। उसी रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चीन के नौसैनिक अड्डे के तौर पर तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा चीन की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स पाकिस्तान में अपने ठिकानों पर ऐसे उपकरण तैनात कर चुकी है जिनसे दूसरे देशों के जहाज, लड़ाकू विमान और सैन्य हलचल पर नजर रखी जा सके। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान में वायुसेना के लिए हवाई अड्डे और बंदरगाह बनाने में चीन इतनी पूंजी इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान उसका कर्ज चुका नहीं पाएगा और पाकिस्तान की जमीन पर चीन अपनी वायुसेना और नौसेना की तैनाती खुलेआम करेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान में चीन के जो लोग अभी CPEC के कर्मचारी बनकर आए हैं वही कल को चीन के सैनिक बनकर तैनात हो जाएं। राफाल पर लगा हिंद का निशान, चीन पाकिस्तान में मचा कोहराम। राफाल से डरे शी जिनपिंग और इमरान। पाकिस्तान में जमा हुआ साजिश का सामान। हिंदुस्तान पहुंच चुका रणक्षेत्र का सबसे बड़ा योद्धा राफाल। अब हिंदुस्तान की वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल हो रहा है। इस तरह राफाल ने रणभूमि में उतरने का एक और कदम बढ़ा दिया है। राफाल के रणभूमि में पहुंचने की खबर ने चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ा दिए हैं। इन दोनों देशों पर राफाल का खौफ इस कदर हावी हो चुका है कि अब ये दोनों मिलकर भारत को चुनौती देने का मंसूबा बना रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राफाल का मुकाबला करने के लिए एक साझा रणनीति तैयार की है।
जिसका पूरा ब्लूप्रिंट न्यूज 18 के पास है। भारत की सरजमी पर रफाल के कदम पड़ने के बाद से ही चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं। चीन और पाकिस्तान ने रफाल से निपटने के लिए बकायदा तैयारी भी तेज कर दी, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि ना तो चीन के पास और ना ही पाकिस्तान के पास कोई ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि रफाल का मुकाबला कर सके। ऐसे में इस मुसीबत से निपटने के लिए दोनों देशों ने एक गुपचुप तरीके से समझौता किया। इस समझौते में ये तय हुआ कि भारत से लगने वाली चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के आसपास फाइटर एयरबेस का जाल बिछा दिया जाए और इसे बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जाए। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के पड़ोसी हैं और इन दोनों देशों की सीमाएं भारत के 8 राज्यों से लगती हैं। पाकिस्तान से भारत की सीमा 4 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें जम्मू कश्मीर में 1225 किलोमीटर, राजस्थान में 1037 किलोमीटर, पंजाब में 553 किलोमीटर और गुजरात में 508 किलोमीटर। इस तरह कुल सीमा करीब 3323 किलोमीटर की हो जाती है। चीन के साथ देखा जाए तो भारत की 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। यह सीमा करीब 4056 किलोमीटर की है। इस तरह देखा जाए तो इन दो दुश्मन देशों के साथ हमारी 7379 किलोमीटर की सीमा है। चीन और पाकिस्तान इस लंबी चौड़ी सीमाओं के इर्द गिर्द ही भारत को घेरने की कोशिश में हैं। न्यूज 18 को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने भारत को चौतरफा घेरने के लिए एक तरफ से LAC पर बड़े पैमाने पर सैन्य जरूरतों से जुड़े निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी ओर चीन ने कंगाल पाकिस्तान में भी भारत से लगने वाली सीमाओं के करीब बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर दिया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन पाकिस्तान में लड़ाकू विमान का एयरबेस तैयार कर रहा है। पाकिस्तान में चीन ऐसे 7 एयरबेस बनाने में जुटा है। ये सभी एयरबेस भारतीय सीमा के पास तैयार किए जा रहे हैं, जिनका निर्माण करने के लिए चीन ने अपने इंजीनियर पाकिस्तान भेजे हैं। ये इंजीनियर कच्चे तेल की खोज के नाम पर चीन से पाकिस्तान भेजे गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये भी चीन की सेना से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े कुछ लोग भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। चीन का पाकिस्तान की जमीन पर एयरबेस तैयार करना ये बताता है कि अब चीन ने भी मान लिया है कि भारत की बढ़ती ताकत और कद का वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने पाकिस्तान को भी अपनी साजिश में शामिल किया है ताकि भारत को एक साथ दो दो मोर्चों पर घेरा जा सके। ये सब एक सोची समझी लार्जर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है जो चाइना कंडक्ट करता है। समझने वाली बात इसमें यह है कि ये पाकिस्तान की प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग है चाइना की। चीन और पाकिस्तान की इस साझा साजिश का मकसद समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये एयरबेस कहां बन रहे हैं और इनकी दूरी भारत की सीमा से कितनी है, क्योंकि इन सभी एयरबेस की भारत से दूरी देखने के बाद ही इन दोनों देशों के मंसूबों का पर्दाफाश हो जाता है। पाकिस्तान की जमीन पर चीन जो एयरबेस तैयार कर रहा है उसमें पहला एयरबेस है राजस्थान और गुजरात से लगी सीमा के पास पाकिस्तान के मैब खतावर में। मैब खतावर एयरबेस की दूरी बाड़मेर से 25 किलोमीटर और भुज से 35 किलोमीटर है। दूसरा एयरबेस पाकिस्तान के कदनवारी में तैयार हो रहा है, इसकी दूरी जैसलमेर से महज 25 किलोमीटर है। पाकिस्तान में चीन की मदद से बन रहा तीसरा एयरबेस सवन में है, इसकी दूरी भारतीय सीमा से 30 किलोमीटर है। इसी तरह चौथा एयरबेस सिंध के छाछरों में तैयार किया जा रहा है, इसकी दूरी राजस्थान की सीमा से महज 40 किलोमीटर है। पांचवा एयरबेस खसखेली में तैयार हो रहा है, इसकी दूरी गुजरात की सीमा से महज 50 किलोमीटर है, जबकि छठा एयरबेस बादिन में तैयार हो रहा है और इसकी भी गुजरात की सीमा से दूरी 45 किलोमीटर है। इस तरह चीन पाकिस्तान में जितनी भी एयर स्ट्रिप तैयार कर रहा है वो सभी गुजरात और राजस्थान से लगने वाली सीमा के पास तैयार किए जा रहे हैं। जाहिर है इन्हें एक सोची समझी रणनीति के तहत बनाया जा रहा है।
चीन का गुजरात और राजस्थान की लगती सीमा पर हवाई अड्डे बनाना ये साबित करता है कि चीन भारत के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा खोलने में जुट गया है, क्योंकि चीन को इस बात का एहसास है कि LAC और LOC पर भारतीय सेना की सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि उस दीवार में सेन लगा पाना बहुत मुश्किल है, और शायद यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ एक ऐसी सीमा पर खतरा बढ़ा रहे हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था LAC और LOC के मुकाबले थोड़ी कम है। 1965 की जंग में भी पाकिस्तान ने इसी जगह से भारत पर हमला किया था। चीन पाकिस्तान में भारत से लगने वाली सीमाओं पर जो एयरबेस तैयार कर रहा है उन्हें कई खास सुविधाओं से भी लैस किया जा रहा है। चीन पाकिस्तान की इस तैयारी को देखकर यह साफ हो जाता है कि चीन भारत के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में है, क्योंकि सवन में अंधेरे में लैंडिंग की सुविधा तैयार की जा रही है। चीन के 500 इंजीनियर और कारीगर काम में लगे हैं। मामले की गोपनीयता बनी रहे इसके लिए इंजीनियर और कारीगर हर 6 महीने में बदल दिए जाते हैं। इसी तरह छाछरों में हेलीकॉप्टर गनशिप बेस बनाया जा रहा है, जबकि खसखेली एयर स्ट्रिप को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी कुछ एक एयरफील्ड्स जो कि हो सकता है हिली टेरेन की वजह से या ज्योग्राफिकल फीचर्स जो उसके आसपास होते हैं उनकी वजह से शायद नाइट लैंडिंग रिस्ट्रिक्टेड हो, वरना हमारी भी ज्यादातर एयरफील्ड्स जो हैं नाइट लैंडिंग और नाइट टेकऑफ्स के लिए केपेबल हैं। पाकिस्तान में एयरबेस बनाने और एयर स्ट्रिप को अत्याधुनिक करने के लिए जितने भी इंजीनियर और कारीगर चीन से आए हैं उन्हें चीन की विदेशों में तेल की खोज करने वाली किसी कंपनी के कर्मचारी के तौर पर पाकिस्तान पहुंचाया गया है, लेकिन हकीकत यह है ये सभी चीन की एयरफोर्स के इंजीनियर हैं और इसमें बहुत से लोग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े हैं। माना जा रहा है कि इस तैयारी को गुप्त रखने के लिए चीन ने ऐसा किया है, लेकिन अब इसका पर्दाफाश हो चुका है। चीन पाकिस्तान में एयर स्ट्रिप तैयार कर रहा है। इसका पहला मकसद तो भारत को घेरना है, लेकिन इसके साथ ही चीन एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। चीन की नजर आने वाले वक्त में इन सभी एयरबेस पर है जो वो पाकिस्तान से हड़पना चाहता है, और इसके लिए भी उसने रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल चीन का इतिहास रहा है कि वो गरीब देशों में एयरबेस और बंदरगाह बनाता है, निर्माण पूरा होते होते वो बड़ी रकम की मांग करता है, रकम न मिलने पर वो अपने बनाए हुए बंदरगाह या एयरबेस पर कब्जा जमा लेता है। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर ठीक इसी तरह कब्जा कर लिया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में भी चीन यही चाल चल रहा है और उसकी कोशिश पाकिस्तान में भारत की सीमाओं को घेरने की है। चीन की परेशानी की असल वजह रफाल है। चीन को पता है कि उसके पास रफाल का कोई जवाब नहीं है, ऐसे में वो भारत के खिलाफ रणनीतिक तौर पर बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि भारत को चौतरफा घेरा जाए और उसकी ताकत को कई मोर्चों पर बांट दिया जाए। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर पाकिस्तान में नए हवाई अड्डे बनाने की एक वजह चीन का डर भी है। उस डर का नाम है रफाल, जो 10 सितंबर को औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। फिलहाल 5 रफाल ही भारत पहुंचे हैं जिनकी तैनाती अंबाला एयरबेस पर है। बहुत जल्द 31 रफाल विमान और आ जाएंगे। पहले यह तय है कि पहले से तय किया गया है कि रफाल की तैनाती उत्तर भारत के अंबाला और पूर्वी भारत के हाशिमारा एयरबेस पर की जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यह कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक पूरी LAC रफाल के साए में होगी। इसी बात से चीन के होश उड़े हुए। चीन की घबराहट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो तिब्बत में लगातार युद्ध अभ्यास करने में जुटा है, और बीच बीच में चीन के विशेषज्ञ ये डिंग हाँकते हैं कि रफाल का जवाब देने के लिए उनके पास J-20 और J-10 जैसे लड़ाकू विमान है। सच्चाई क्या है ये चीन को भी पता है। रणनीति के जानकार मानते हैं कि रफाल विमान लीबिया, इराक और अफगानिस्तान में जंग के मैदान में अपना दम दिखा चुका है, जबकि चीन के आधुनिक लड़ाकू विमानों के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है। इसीलिए LAC पर रफाल विमानों की तैनाती से चीन की चिंता बढ़ गई है और वो राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर घात लगाने की फिराक में। इस इलाके में पाकिस्तान की वायुसेना के लिए नए एयरबेस बनाने के पीछे एक वजह यह भी है। हालांकि चीन की यह चाल भी दूर की कौड़ी ही साबित होगी,
क्योंकि राजस्थान और गुजरात में भारतीय वायुसेना के मिग, मिराज, सुखोई और जैगुआर विमान किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पहले से तैयार है। उनका साथ देने के लिए अब रफाल भी है, जो अंबाला में रहते हुए भी कराची से बहुत दूर नहीं है। अंबाला से कराची की हवाई दूरी 1140 किलोमीटर के आसपास ही है। वहां तक मार करने के लिए रफाल को पहुंचने में एक घंटा भी नहीं लगेगा। मतलब यह कि पाकिस्तान और चीन चाहे एक साथ मिलकर मोर्चा खोलें या फिर अलग अलग, उनको जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना का सबसे घातक हथियार पूरी तरह तैयार है। भारतीय वायुसेना की काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अब उसी वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद रफाल की उड़ान कैसी होगी, यह देखने के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री भी आ रहे हैं। आसमान में रफाल की गर्जना होगी सुबह, जिसकी गूंज सरहद के पार तक सुनाई देनी तय है। रफाल ने उड़ाई चीन की नी। रफाल से बदली चीन की रणनीति। हवा में बमबारी कर रहा बौखलाया चीन। आसमान में गोले दाग रही है लाल सेना। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले ही रफाल ने चीन में ऐसी खलबली मचा दी है कि बॉर्डर से बीजिंग तक हाहाकार मचा हुआ है। चीन की लाल सेना में ऐसी खलबली मची हुई है कि पूरी सेना में ही उलटफेर शुरू हो गए हैं। चीन की सेना अपने सैन्य साजो सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही है। इसके साथ ही लाल सेना का हौसला भी हिल गया है, जिसे बरकरार रखने के लिए चीन के सैन्य अफसरों ने अपने सैनिकों को हवा में ही गोलाबारी का हुक्म दे दिया है। और अब चीन की सेना देश के अलग अलग इलाकों में हवा में टैंक और तोप चला रही है। चीन की बौखलाहट की कुछ तस्वीरें न्यूज 18 को भी मिली हैं। ये एलएसी पर हारी चीन की सेना का युद्धाभ्यास है, जो तिब्बत में किया जा रहा है। चीन की मीडिया के मुताबिक ये युद्धाभ्यास 4,900 मीटर की ऊंचाई पर किया गया। चीन की सेना ने मिसाइल गन के साथ साथ तोप और टैंक का इस्तेमाल किया है। इस ड्रिल में शामिल हुए सैनिकों को खास तौर पर इस इलाके की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। चीन सेना भले ही इसे युद्धाभ्यास बता रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये ड्रिल एलएसी पर बार बार हार रही चीन की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए की गई है। साथ ही इस ड्रिल से रफाल को लेकर चीन का डर भी साबित हो रहा है। दरअसल ये ड्रिल रफाल के भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल होने से ठीक पहले की गई है। इससे साफ हो जाता है कि चीन अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो एलएसी पर लगातार हार के बीच भारतीय वायुसेना में रफाल के शामिल होने की खबर से ही सहमे हुए हैं। चीन में रफाल को लेकर इस कदर हलचल मची हुई है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ एलएसी पर बल्कि चीन में ही सैन्य टुकड़ियों को अलग अलग जगह भेजा जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि अगर भारत और चीन के बीच बात बिगड़ी तो उन्हें जल्द से जल्द एलएसी पर पहुंचाया जा सके। सैन्य टुकड़ियों के साथ साथ गोला बारूद और हथियार भी एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं। एलएसी पर लगातार चार बार पटकनी खाने और भारतीय वायुसेना में रफाल के शामिल होने की खबर ने चीन की धड़कन इस कदर बढ़ा दी है
कि चीन ने पूरी ताकत एलएसी के इर्द गिर्द झोंक दी है। चीन का मीडिया भी मान रहा है कि भारत के करारे जवाब के बाद एलएसी पर सेना को मजबूत बनाना उसकी मजबूरी हो गई है। चीन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक चीन सरकार तिब्बत में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फरमान जारी कर चुकी है। इसके साथ ही तिब्बत में एयर डिफेंस ट्रूप और पैरा ट्रूपर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, साथ ही आर्टिलरी यूनिट में भी इजाफा किया जा रहा है। यही नहीं, चीन ने अपने स्पेशल फोर्स के जवानों को भी तोप और टैंक के साथ तिब्बत भेज दिया है। इसके अलावा चीन ने सेंट्रल थिएटर कमांड से हथियार और गोला बारूद तिब्बत भेजने शुरू कर दिए हैं। तिब्बत में चीन का पूरी ताकत झोंकना, सैनिकों और साजो सामान का तिब्बत भेजना, ये बात साफ कर देता है कि लगातार एलएसी पर मिल रही हार से वो किस तरह बौखला गया है। भारतीय सैनिकों के जोश और उनकी बढ़ती ताकत से चीन के सैनिकों का हौसला पस्त होने का भी खतरा बढ़ गया है। यही नहीं, एलएसी पर मिल रही हार से शी जिनपिंग के खिलाफ चीन में ही सवाल उठने लगे हैं, साथ ही दुनिया भर में लाल सेना की झूठी शान की पोल भी खुल गई है। चीन ने एलएसी पर साजिश तो भारत को डराने और अपनी जमीन की भूख मिटाने के लिए की थी, लेकिन ये साजिश उसे इतनी उल्टी पड़ गई कि शी जिनपिंग की गद्दी तक खतरे में आ गई है। पेंगोंग में तो चीन की हार हुई ही, अब चीन की सरकार से ये सवाल भी शुरू हो गए हैं कि रफाल के मुकाबले के लिए चीन के पास क्या प्लान है, क्योंकि रफाल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद एलएसी पर चीन पूरी तरह से भारत के निशाने पर आ गया है। क्योंकि भारत के उत्तर में एलएसी के आसपास चीन के तीन बड़े एयरबेस हैं, नागरी, काशगर और होटान। अंबाला के करीब चीन का एयरबेस नागरी है। इसकी अंबाला से दूरी 363 किलोमीटर है। अगर राफाल अंबाला से उड़ान भरता है तो उसे नागरी तक पहुंचने में सिर्फ 9 मिनट लगेंगे, तो लेह से काशगर की दूरी 615 किलोमीटर है। राफाल को लेह से काशगर पहुंचने में सिर्फ 17 मिनट का वक्त लगेगा, जबकि लेह से होटान की दूरी 384 किलोमीटर है और राफाल को लेह से होटान पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगेगा। एलएसी पर चीन के हर एयरबेस तक राफाल की पहुंच ने ही चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है और बीजिंग तक राफाल के नाम की बेचैनी साफ देखी जा सकती है। राफेल के आने के बाद माइटी ड्रैगन्स के लिए भी हमें एक तोड़ मिल चुका है। अब चीन को सोचना है कि उसको अपने युद्धक बेड़े को कैसे आगे और बढ़ाना है, उसको कैसे कोशिश करनी है, इसलिए उसके लिए मुसीबतें बढ़ जाती हैं। एलएसी पर चीन के हर एयरबेस तक राफाल की पहुंच ने ही चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है और बीजिंग तक राफाल के नाम की बेचैनी साफ देखी जा सकती है। एलएसी पर भारत और चीन की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है जिसने चीन को डरा रखा है। भारत का राफाल एलएसी पर जैसे हालात हैं उन्हें देखते हुए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जबकि चीन के पास ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो एलएसी की भौगोलिक स्थिति के लिए पूरी तरह फिट हो। मतलब ये कि राफाल युद्ध क्षेत्र में भारत के सामरिक और मानसिक दोनों तरह की ताकत बनकर आया है।